हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 की है, ठीक है। इसमें हम देखिए, ये कंपनी नई है हमारी और यहां पर कुछ एंट्रीज हमने पास करी हैं। जैसे कि यहां पर आशीर्वाद आटा है, 15 किलो परचेज किया गया है, ठीक है, 35 रुपए के रेट से, और 525 रुपए का पड़ा है 15 किलो, ठीक है। इसी तरीके से राजधानी बेसन है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 किलो परचेज किया गया है और 120 रुपए के हिसाब से पड़ा है पर किलो, ठीक है। तो देखिए, और इस पे वैट भी लगाया गया है, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाया मैंने, वैट लगा दिया, ठीक है। अब समस्या हमारे साथ ये है कि हमको रिटर्न करना है, तो रिटर्न कैसे किया जाए? और यकीन कीजिए, इस वीडियो को देख लेंगे तो रिटर्निंग क्रेडिटर पार्टी और डेटर पार्टी, यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारे पास बिल है, ये देख सकते हैं, ये एक ही एंट्री है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1/4/2023 से लेकर 31/3/2025 कर देते हैं, ये 24 कर देते हैं, 24 सॉरी। तो ये हो गया, तो एक ही एंट्री हुई पड़ी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, हमको रिटर्न करना है 3 पैकेट राजधानी बेसन या 4 पैकेट राजधानी बेसन रिटर्न करना। तो रिटर्निंग की एंट्री पास करी कैसे करी जाए, पहला सवाल। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पर जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो क्रेडिट नोट हाईलाइट है, ना तो परचेज हाईलाइट है, यहाँ पर देखिए कुछ भी हाईलाइट नहीं है। परचेज तो इसलिए नहीं हाईलाइट है क्योंकि हमने परचेज, हम ऑलरेडी परचेज में हैं, ठीक है। लेकिन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ पर वो भी हाईलाइट नहीं है। तो इसको कैसे हम हाईलाइट करेंगे और कैसे हम एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है, सवाल यही है। तो कैसे एंट्रीज पास करी जाए, आइए देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए, जब हम एंट्री पास करने जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, ये टैली गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू है, और यहाँ पर जब भी आपको एंट्री पास करनी है तो यहाँ पर जो है वाउचर में जाके आप पास करते हैं एंट्री। लेकिन अभी हम हैं गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पर, और यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक F11 फीचर्स और ये एक कॉन्फिगर। तो अभी यहाँ पर कॉन्फिगर पे हम जैसे ही जाते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, F11 पे जाएंगे और ये अकाउंटिंग फीचर पे आ जाएंगे। जैसे ही F11 करके अकाउंटिंग फीचर पे आते हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, तो ये ऑप्शन नो है, इसीलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको एंटर करते हुए आना है और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना है, इस ऑप्शन को चालू करना है। तो यहाँ से यस कर दीजिए, इसको भी यस कर देते हैं, इसको भी यस कर देते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं। तो अभी आप जब बाहर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद कि आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हाईलाइट होते हुए मिलेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने परचेज किया है जिसका बिल मैंने आपको दिखाया, यही वो बिल है, ठीक है। तो 15 किलो आशीर्वाद आटा है और 10 किलो राजधानी बेसन है, तो इसको रिटर्न करना है। तो भैया हम खरीद के लाए हैं, हम रिटर्न करेंगे तो हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करेंगे, तो डेबिट नोट में एंट्री पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, देखिए ये अगर डेबिट नोट में, ये डेबिट नोट दिख रहा है, तो डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है, ये है कंट्रोल के साथ F9, तो आपको कंट्रोल के साथ F9 दबाना है, आप डेबिट नोट वाउचर में आ जाएंगे। हमारा जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो यही है शायद, ठीक है। अब ये कैसे पता कि यही है, तो यहाँ से बाहर आइए एक बार, दो बार डी प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, 3555, तो यही सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में डालना है, ठीक है। तो यहाँ से बी बटन प्रेस करके वापस आ जाते हैं और कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि हम वहां आ जाएंगे, या फिर यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब 3555 यही था ना, एंटर किया, एंटर किया। अब ये किन को रिटर्न जाएगा, तो ये राजू होलसेलर को रिटर्न जाएगा, तो ये राजू होलसेलर का नाम आ गया यहाँ पर, एंटर किया। परचेज अकाउंट का ही लेजर आएगा और कोई लेजर नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको उस प्रोडक्ट का नाम लेना, जैसे राजधानी बेसन था तो ये ले लिया हमने, 10 किलो है हमारे पास, तो मान लीजिए 4 किलो रिटर्न कर रहे हैं, तो ये रिटर्निंग हो रही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है परचेज क्वांटिटी, तो 10 किलो हमने लिया था, ठीक है, और ओरिजिनल परचेज वैल्यू क्या थी, तो हमने परचेज किया था तो कितने में परचेज किया था ये देना होगा। तो एक बार देख लेते हैं परचेज कितने में किया था, यहाँ से बाहर आते हैं, 120 रुपए शायद परचेज किया था, तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, तो 120 रुपए खरीद रेट पड़ी थी, ठीक है, तो वही हमको देना है, ठीक है ना। रिटर्निंग के लिए चलते हैं वापस, तो यहाँ से डेबिट नोट में आएंगे, ये डेबिट नोट में आ गए और यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो था वो डाल दिया, एंटर किया, यहाँ पे परचेज आएगा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे होलसेलर पार्टी का लेजर आएगा ये ध्यान रखिएगा, ये एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया और यहाँ पर अब राजधानी बेसन था तो ये लगा दिया। अब मान लीजिए कि 4 किलो रिटर्न हो रहा है, एंटर किया, एंटर किया। आप देखिए कह रहा है कि ओरिजिनल परचेज क्वांटिटी कितना आपने परचेज किया था, तो 10 किलो परचेज किया था, रेट क्या था, 120 रुपए था, तो वो सब डाल दिया हमने, ठीक है, और 120 रुपए के रेट से कुल कितना रुपया आया था वो यहाँ पे डालना है, तो 1200 रुपए आया था तो वो डाल दिया हमने, ठीक है। टैक्स वैल्यू कितनी आई थी वो भी डालना होगा, तो छोड़िए टैक्स वैल्यू रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे बढ़े यहां पर आए, यहां पर आपको वैट लगाना है, तो ये वैट लगा दिया, तो इस पे वैट आ गया। अब यहां पर जाकर के इसको एंटर 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 कर लेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब कैसे पता कि ये जो है हमारा जो है रिटर्निंग हो गया है, तो रिटर्निंग के लिए आपको क्या करना है, यहां से दो बार डी प्रेस करना। तो देखिए जब आपने परचेस किया था तो कितने अमाउंट में परचेस किया था, ये देखिए राजधानी बेसन 10 किलो था, ठीक है। अब अगर परचेस हो चुका और डेबिट नोट में आपने एंट्री पास कर दी जो कि आपको दिख ही रही है 4 किलो रिटर्न हुआ है, तो अभी रिटर्निंग में जब हम यहां पर आएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक समरी, तो यहां पर आएंगे एंटर करेंगे तो अब देखेंगे कि यहां पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक तो राजधानी बेसन एक आशीर्वाद आटा, तो हमें आना है राजधानी बेसन पर और एंटर करना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए एंटर करने के बाद आपको परचेज में दिखाई दे रहा है 10 किलो आपने परचेज किया था इन वार्ड, लेकिन 4 किलो रिटर्निंग गया तो आपके पास कितना बचा, 6 किलो कुल बचा, तो 720 रुपए का आइटम जो है केवल बच गया है आपके पास, देख सकते हैं। इसी तरीके से जब क्रेडिट नोट होगा तो क्रेडिट नोट कैसे होगा, तो क्रेडिट नोट के लिए आप कहां जाएंगे, ये देखिए ये कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करना है क्रेडिट नोट के लिए, तो कंट्रोल F8 प्रेस कीजिए और ये जो इनवॉइस नंबर है वही डाल करके जो होलसेलर पार्टी है वो अपने यहां एंट्री पास करेगी। कैसे करेगी, देखिए इस तरीके से करेगी, ये आपका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हो गया, और यहां पर जो अब यहां पर किसका नाम आएगा, यहां पर तो क्रेडिटर पार्टी का नाम आ गया था जब हमने किया था डेबिट नोट में, तो लेकिन वहां पर उन्होंने जिसको दिया था उसका नाम आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम को दिया था तो यहां राम हमारा उनका क्या हो जाएगा, राम उनका हो जाएगा डेटर पार्टी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए राम क्या हो जाएगा डेटर पार्टी हो जाएगा। इन्हीं को मान लीजिए दिया था इन्होंने तो ये डेटर पार्टी हो गया, एंटर करके एंटर करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए और एंटर 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 करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पे सेल्स का ले जाएगा SALES, तो ये सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट कर लीजिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये एक्सेप्ट हो गया। अब क्या था, तो वही राजधानी बेसन था 4 पैकेट, तो यहाँ पर आकर के 4 पैकेट इन्होंने रिटर्न लिया, 120 रुपए के भाव से इन्होंने दिया था तो वो रिटर्न आएगा। और ओरिजिनल क्वांटिटी तो कितनी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी थी आपकी कितनी, 10 किलो थी, तो 10 किलो यहाँ दे दिया। सेल कितने का था, 1200 का था, ठीक है। और टैक्स वैल्यू छोड़ देते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे आते हैं, वैट लगा देते हैं, तो ये हो गया। तो ये इस तरीके से ये जो है क्रेडिटर पार्टी अपने यहाँ एंट्री पास करेगी, ठीक है। तो दोनों ही एंट्रीज बहुत क्लियर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी, हालांकि मैंने सेम सॉफ्टवेयर पे दोनों एंट्री करी है, लेकिन आप जब करेंगे तो अपने टैली सॉफ्टवेयर पर, जैसे आपने माल खरीद के ले आए और रिटर्न किया तो आप अपने यहाँ डेबिट नोट पे एंट्री पास करें, लेकिन वो अपने यहाँ क्रेडिट नोट पे एंट्री पास करेगा, ठीक है। रिटर्निंग की ही एक दूसरी एंट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। वापिस कहाँ चलेंगे, वाउचर में, यहाँ से वी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये अभी क्रेडिट नोट में है, जैसा कि आपने देखा कि मैंने दोनों एक ही सॉफ्टवेयर पे दिखाया है कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और यहाँ से हम डेबिट नोट में जाएंगे, तो ये डेबिट नोट में आ गए। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वही था हमारा 5333, यही था ना, एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर इन्हीं को ये रिटर्न जाएगा, राजू होलसेलर को रिटर्न जाएगा, तो एंटर करेंगे एंटर करेंगे। अब इसमें एक चीज और रिटर्न कर देते हैं परचेज अकाउंट लगाने के बाद, ठीक है। अब क्या रिटर्न करेंगे, जैसे दो चीजें हमारे पास थी, आशीर्वाद आटा भी था, तो मान लीजिए 5 किलो आटा, अब ये 5-5 किलो का है, ठीक है, तो 5-5 किलो का पैकेट, 15 किलो हमने यहाँ पे इकट्ठा डाल दिया है, तो 5 किलो आटा भी खराब है, तो यहाँ पे देखिए ये 35 रुपए के भाव से 175 रुपए का आटा भी रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये कितना था, 15 किलो था, तो ये 15 किलो यहाँ पे डाल दिया, और ओरिजिनल कितना था, 525 रुपया टोटल था ना, इतना ही था ना कॉस्ट परचेज वैल्यू, बाकी नीचे छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे वैट लगा देते हैं, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब जाएंगे तो आशीर्वाद आटा से भी माइनस नजर आएगा आपको, देखिए यहाँ पर ये आए, अब देखिए आशीर्वाद आटा है ना, एंटर करिए एक बार, एंटर करते ही आपको डेबिट और क्रेडिट मतलब परचेज जो किया था वो भी और जो रिटर्न किया वो भी दोनों वैल्यूज आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।